अब यहाँ से उनको मारना बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा था, उल्टा ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ गलत सीन होने वाले हैं। इसलिए मैंने अपने टीममेट से बोला, ए भैया फुर्ती से शक्ति मान गियर लगाओ और उड़ के पीछे भागो। दिन रात मेहनत करके लोग हो जाते हैं कोयला, ऐसे ही नहीं हीरे की तरह चमकते। और स्वागत है भाई लोग आपका एक और नई वीडियो में, साथ ही फौजी सीजे का आप सभी को नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो भैया कम से कम 6 महीना बाद, जी हाँ 6 महीना बाद, सिर्फ आपकी डिमांड में आज मैं आईपैड में खेल रहा हूँ। अब आईपैड में खेल रहा हूँ तो वो इंग्लिश में कहते ना ओल्ड इज गोल्ड, तो आज आपको वही पुराने गेम प्ले वाली वाइब देखने को मिलेगी। अच्छा। और अगर ये वाइब आपको अच्छी लगे तो भैया कमेंट में बताना, आगे से अपन आईपैड ही में खेलेंगे। फिलहाल देखो इस मैच में बेइज्जती भी दबा दबा के होगी, तो भैया वो बेइज्जती का बहाना मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यार बहुत दिनों बाद आईपैड में खेल रहा हूँ तो थोड़ा सा बटने वगैरह भूल जाता हूँ, क्योंकि यार कंट्रोल अभी ढंग से सेट नहीं है, आदत नहीं है ना इसलिए। अच्छा। खैर कंट्रोल चेंज हुए हैं पर बम्बूरा फेंकने की स्किल्स चेंज नहीं हुई, तो भैया बोलो जय जय श्री राम। तो सामने में लंदन वाली बिल्डिंग में एक ठो बंदे को नॉक कर देता हूँ और फिर टीममेट से उधारी बाड़ी करके ये जलती बोतल में आग भी फेंक देता हूँ। और ये लो इससे भी एक बंदा नॉक हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि यार एक ठो मॉली और कर दें, हो सकता है टीम ही निपट जाए। लेकिन तभी भैया दूसरी टीम उन बंदों के ऊपर रस कर देती है, तो मुझे लगा कि मेरी किल ना चोरी हो जाए इसलिए मैं अपने बिल से साला उचक रहा है भैया के सामने उसको ले बिठा ये ले। तो यहाँ पे एक तो बंदे की मैं पेटी बना देता हूँ, लेकिन यार लंदन वाली बिल्डिंग में जिन बंदों को मैंने नॉक किया था ना, उनकी किल बाकी में चोरी हो जाती है, भारी किल का नुकसान, तो अब बदला लेना पड़ेगा। अंदर हिल कर इधर ओपन से भाग रहा है। अरे इधर से मारा देखते हैं। नाइस। गोली चलेगी तब तक, पेटी न बन जाए जब तक। तो दो बंदे निपटा दिए और ये लो एक फ्री की किल भी मिल गई। खैर इनको मैं जैसे ही निपटाता हूँ और उसके बाद थोड़ी सी लूटा लाटी कर ही रहता हूँ, तभी मुझे बाहर से फुर्सत टैप आती है। हाँ ऑलवेज चलो ये ब्रोकन इसके पीछे, ठीक है देखकर मार्क कर दिया। और फिर रस बोलता है कि वो ब्रोकन बॉल के पीछे है, तो मैं हेलीकॉप्टर बन के सीधा यहाँ जाता हूँ, पर यहाँ आने के बाद भी वो मुझे दिखाई नहीं रहा था, तो मैं फिर थोड़ा और आगे जाता हूँ। साला कैसे कैंपर हैं यार इनकी माँ का। नॉटी अमेरिका। तो यार बंदे बचे हैं 69 और मेरे साथ भी वहाँ पे 69 ही हो गया। देखा आपने, फुट स्टेप ही नहीं दे रहा था यार वो, साला ऐसा लोका बैठा था जैसे मैं उसके साथ लुकनी टीप खेल रहा हूँ। खैर दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इफ यू थिंक यू आर कैंपर, मेरे टीममेट भी है बहुत भयंकर। तो मेरे टीममेट ने उनका काम डाल दिया था, बस दिक्कत ये थी कि मेरी भी एक बार पेटी डल चुकी है, तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही लाइफ है। हालांकि तुम्हारा ब्रो इज प्रो, तो मैं सरवाइव तो कर लूंगा लास्ट तक, बस कोई सांप न डस ले। साला वो मेरी किल चुराने की कोशिश कर रहा था, रुक बेटा आ रहा हूँ। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। दो है शायद, बाकी साइड है। नेड वगैरह चाहिए क्या? गाड़ी
अब आप बताओ क्या मैं इस बंदे को मार पाऊंगा? मत बताओ, रहने दो। ठीक है। इधर से ऊपर से शायद। अब सामने एक ठो बंदा होता है जो कि टॉक्सिक की पेटी बना देता है, तो मैं उसके ऊपर बम बबूरा करता हूँ। ऊपर आया फजे, ऊपर है। पर इससे कुछ भी नहीं होता, यानी कि वो बंदा ऊपर वाले फ्लोर में चला गया है, तभी तो नहीं नॉक हुआ ना। बात तो सही है। इसलिए मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ कि चलो आओ अपन बीच वाले फ्लोर में चलते हैं और वहाँ से कामयाबी मारेंगे। पर ये साला यहीं बैठा था, पता नहीं कैसे बम से बच गया। खैर, इसको निपटाने के बाद लग रहा था कि अब ये इलाका पूरा का पूरा खाली हो गया है, तो फिर हम लोग यहाँ से लूटा लाटी करके निकलने की सोच ही रहे थे। लेकिन चलाओगे पीछे? बोट बोट नहीं था रे, बंदा था। पुलिस स्क्वाड आ गया मोनसा ट्रक से। लेफ्ट वाले पीछे से। पहली फुर्सत में निकल, उसको छोड़ो। सब ब्रोकन बॉय के पीछे तीन बंदे हैं, ठीक है। अब देखो, मैं क्यों हमेशा कहता हूँ कि मेरा नाम संघर्ष है और उसी वजह से मेरी लाइफ में संघर्ष है। मैंने यहाँ पे मौली फेंकी और वो लोग पहले यहीं पे थे, लेकिन मौली फेंकने के एक सेकंड पहले भैया उस साइड चले गए। फिर मैंने ये बम फेंका और जैसे ही बम फेंकने के लिए हुआ, तीन बंदे ना, उतने ही में दो बंदे गाड़ी से भाग गए। Nice. खैर, एक को मैंने पकड़ लिया था और एक ये मेरे को लकड़ी के खड्डे के पास आते हुए दिखा था, तो मैं इस तरफ आया लेकिन यहाँ पे कोई नहीं दिखा, तो फिर मैंने बोला चलो बग्गी वाले के पास चलते हैं और देखो आगे। मुझे यहीं पे नहीं लग रहा, आसपास ही है, ठीक है, देखकर थोड़ा चलना। ये रहा, यहाँ ये रहा, फुटाई फुटाई फुटाई, फुटाई। एक इसके अंदर मेरे पास एक है। किधर ही एक है? मार्क्ड लोकेशन। मैं बोल रही हूँ इधर एक है। अरे इतना गुस्सा काहे हो रही हो बेटू, मार देंगे ना। अब सुनील सिट्टी तो हूँ नहीं कि दो हाथ से दो गन चलाऊं। अबे ये तो भाग रहा है। ए मार ना देरी। ओ बच गया, बच गया। देखा वो नहीं है हमारे पास। अब फोटो स्टेप से लग रहा है कि ये बंदा है ये बालकनी में, और बालकनी में है तो कामयाबी तो देना पड़ेगा। तो ले बेटा एक चांटा दो चांटा। अरे नाइस नॉक, एक ही डाला और ये गेम ओवर। तो भैया फाइनली इस बंदे को निपटा दिया और इसी के साथ किल हो गए मेरे 13। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल मेरा, कर दो यार प्लीज। अपन 1.5 मिलियन में रहे आएंगे क्या? अब अपन को 2 मिलियन में जाना है यार, तो प्लीज ठोको दबा के। खैर अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर इसके बाद मुझे नीचे से एक बग्गी जाते हुए दिखती है, तो मैं बोलता हूँ रास पीछा कर, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल होती है। देखो कैसे जॉर्जो पे भी बंदे। अरे भाई उतरो, नॉक कर दूंगे। अब यहाँ से उनको मारना बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा था, उल्टा ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ गलत सीन होने वाले हैं। इसलिए मैंने अपने टीममेट से बोला ए भैया
फुर्ती से शक्ति मान गियर लगाओ और उड़ के पीछे भागो। अब नहीं उड़ने के लिए। अब एक तो बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ और फिर सोचता हूँ कि अब उड़ के उनके पास जाऊँ, लेकिन इस बार मेरे टीममेट के पास लड्डू नहीं होते, तो फिर मैंने सोचा कि इस टावर में लैंड करते हैं और एक आध बंदे को और नॉक करते हैं और फिर रस करेंगे। अब किसी को नॉक तो नहीं कर पाया लेकिन डैमेज कर दिया था, तो मैंने बोला यार अब मैं अकेले रस कर रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अरे टॉक्सिक नो कहा था ना, लड़कियों का दिमाग हमेशा घुटनों में होता है, देखो उन्हीं के मुंह में कूद गई। खैर सुनो, मैं हर लड़की को नहीं बोल रहा हूँ तो गुस्सा मत हो जाना, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा था। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। सामने से आगे मेरे पीछे, एक नीचे, एक को मार दो पहले, इस वाले को मार दो। अभी नीचे कूद गए, नीचे कूद गए, नीचे भाई इधर देखो, दिख रहा है ये देखो बैठा हुआ है, इधर साइड देखो। और मारो, अटक गया वो, ये रहा ये रहा। और ये देखो नकल चोर साले, जो हम लोगों ने किया था वो ही अब ये लोग कर रहे हैं, मतलब खुद का दिमाग तो लगा रहे नहीं है। ए, ए, अरे ये क्या हो रहा है? अरे यार यार बहुत दिनों बाद खेल रहा हूँ ना यार, तो कंट्रोल वंट्रोल सेट नहीं है और घबराहट में कुछ का कुछ दब जाता है साला। अच्छा ऊपर चढ़ा गया क्या? मैं नॉक दे रहा, ठीक है? हाँ हाँ दे 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 दे। राइट से आ गया। वॉच आउट। जल्दी बता दे, जल्दी मैं दे देता, पता जल्दी। नाइस भाई, एक लास्ट मार दो फिर। अरे बहुत हार्ड भाई, बहुत हार्ड। आप लोगों के प्यार से आज मुझे आधी दुनिया जानती है, और बेटा ग्रोजा से मुझे मत मार, ये मुझे बाखूबी पहचानती है। तो यार इस सकॉट की पेटी तो बना दी, बट दिक्कत ये है कि भैया संगठन में शक्ति और अकेले में मेरी बहुत ज्यादा फटती, तो फट तो बहुत रही थी, लेकिन रोजी रोटी का सवाल है इसलिए मैच तो पूरा खेलना पड़ेगा। तो फिर मैं वहाँ से डायरेक्ट इस तरफ आ जाता हूँ और यहाँ आते ही मुझे गोलियाँ चलने की आवाज आती है, सुनो आप भी। वो भाग, रुका है क्या? भाग क्या? भाग गया, भाग गया। वो भी भाग रहा है, उसने गिरा दिया। अब सामने मैंने दो ठो बंदों को डैमेज दिया, तो फिर मैंने बोला आर या पार, अब रस तो करना ही पड़ेगा यार, इसलिए मैं आगे जाता हूँ। और अरे बहुत हार्ड भाई, ओनली तीन बंदे, इजी बन गए थे।
देखो मेरे दो निठल्ले टीममेट मर गए फ्री और अब कह रहे हैं फौजी भाई करो ना बन भी थ्री। अरे कैसे करे फौजी बन भी थ्री, अबे सामने एक बंदा दिखा। अरे लेटने की बटर कहाँ है? अरे यार अरे ये रही। देखो भाई लोगों, बहुत दिनों बाद आईपैड में खेल रहा हूँ यार। पहले इतने से मोबाइल में खेल रहा था और अब थोड़ी बड़ी स्क्रीन में खेल रहा हूँ तो ना बटन मिल नहीं रही, सच बता रहा हूँ। और थोड़ी ट्रांसपेरेंट भी कर दिया हूँ, समझ रहे हो ना, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। तो उस चक्कर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, पर दो तीन दिन में आदत आ जाएगी। फिलहाल मैं इस घर में जाता हूँ और सामने एक ठो बंदा तो कन्फर्म है जिसको मैंने देखा भी अभी। अरे लोग एक और दिख गया, रुक गया ये आगे वाली पहाड़ी में। अब जैसा ही वो दिखा तो वहाँ पे गोलियां चली, यानी कि उन दोनों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। तो मैं हेलीकॉप्टर बन के यहाँ आता हूँ, पर यहाँ से कोई दिखा ही नहीं जाता। तो फिर मैं दोबारा हेलीकॉप्टर बनता हूँ और देखो आप, वो घास में लेटा हुआ है। अब एक बंदा तो घास में होता है और एक ये नीचे साइड कहीं जहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है, लेकिन दोनों मुझे दिख नहीं रहे थे। तो फिर मैंने अपने बचे खुचे दिमाग का प्रयोग किया और बोला कि यार मैं इस घर के ऊपर चला जाता हूँ हेलीकॉप्टर बनके, तो वहाँ पे मेरे पास कवर भी रहेगा और उन लोगों को आराम से मार भी दूंगा। मस्त प्लान है। अबे अबे ये क्या हो गया यार? अरे यार ब्रेक फेल हो गया ब्रो। भाई लोग कसम खा के कह रहा हूँ, मैं दबा रहा था ये लैंड वाली बटन, लेकिन साला गलती से दब गई ये बूस्ट वाली बटन और वो दोबारा बूस्ट होके आगे भाग गया यार। खैर जो भी था, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। अगर मजा आया हो तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, साथ ही कर देना अपने दोस्तों को शेयर। तो मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।